नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। हेलो, मैं हूं काजल तिवारी और आज हम चर्चा कर रहे हैं हॉन्टेड विलेज के बारे में। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और हम बात कर रहे हैं हॉन्टेड विलेज मूवी के बारे में। हॉन्टेड विलेज में मैं मतलब लड़की हूँ जिसमें भूत आ जाता है। बहुत अच्छा लगा है मुझे भूत का कैरेक्टर प्ले करके, और मतलब आज तक मूवी में देखा है सिर्फ कि भूत आज खुद भी प्ले करके बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भूत ऐसे होते हैं। तो कभी रियल लाइफ में भूत से सामना हुआ है? रियल लाइफ में तो नहीं हुआ, लेकिन रियल लाइफ में हो चुका है। डर तो सबको लगता है और सुना भी बहुत है, लेकिन उस कैरेक्टर में जाके मतलब वो करना महसूस हुआ कि वाओ, भूत भी बहुत अच्छा करते हैं। आपके अपोजिट कौन है? मेरे अपोजिट संजीत है और वो भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। बहुत मुझे मतलब सच में सब फिल्म से ज़्यादा इस फिल्म में बहुत मतलब बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है और खुद में एक खुद करना उसे प्ले बहुत डिफरेंट होता है, वो डिफिकल्ट थी। आप बता रहे थे कि आपने क्या कैरेक्टर प्ले किया है इसमें? सेम है मेरा भी, जैसे हम लोग के अंदर भूत एंटर करता है तो एक अलग सा है ये, क्योंकि रोमांटिक हर तरह का तो करना पर एक हॉरर करना ये हमारा अलग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ही हट के। तो बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ काम करके, जितने भी को-स्टार्स हैं सब अच्छे हैं और सब सपोर्टिव हैं। आप दोनों भूत का ही रोल निभा रहे हैं? हमारे अंदर भूत एंटर करता है। हाँ, तो दोनों में भारी कौन पड़ता है? भूत वो तो यार हम इंसान तो भूत पर भारी पड़ ही नहीं सकते, भूत ही हमेशा भारी पड़ते। तो भूतों के बारे में आपने कुछ सुना होगा, जाना होगा, तो जब आपको भूत के बारे में बताइए, कैरेक्टर प्ले करना आपके अंदर क्योंकि मतलब हर तरह का रोल किया है, बट हॉरर ये भूत तो ये सब अभी तक नहीं किया था। और ये कि आप सब हमारी मूवी देखिए, एक न्यू है आज के जनरेशन की है, कुछ डिफरेंट है और सबको देखने में कॉमेडी है, रोमांटिक है, कुछ है भी नहीं, और देखने में सबको मजा आएगा, बस यही कह सकते हैं। अब तो बाकी देखने के बाद पता चलेगा। नमस्ते, मेरा नाम संजीत धूरी है और हम हॉन्टेड विलेज ये मूवी अभी जस्ट एक हाफ शेड्यूल शूट किया है, बस उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। ये मेरा नाम परवेज आलम है जी। सर हमारे डायरेक्टर है मूवी के। मूवी का नाम हॉन्टेड विलेज जी। तो आप बताइए किस तरह से आपका किरदार है और किस तरह से आपने अभी तक जो शूटिंग हुआ है क्या कहना अनुभव रहा और अगला शेड्यूल में किस तरह के कुछ प्लानिंग चल रही है? किरदार जो है वो बहुत ही एक कहते हैं कि लाइफ नॉर्मल लाइफ का किरदार होता है वैसा है, पर कैसा है कि हम जब किसी भूत से हमारा सामना होता है या कुछ होता है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब विक्टिम जो होता है वो उसको भूत को लेके आने की, उसमें से जो आप जिससे आप प्यार करो उसको वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हो, वो सब चीजें जो हम देखते हैं हर बार की हिंदी मूवीज में, ये थोड़ा अलग है। मतलब रोमांटिज्म रोमांटिक हो गया, फिर थोड़ा सा एक सस्पेंस का फील है, फिर थोड़ा सा एक हॉरर का फील, इन एंड ऑल एक पूरा एक मसाला है बॉलीवुड मूवी का उस तरह से। आपका अपोजिट कौन है और कैसा टोन है? मेरा अपोजिट काजल है और उसने बहुत ही बढ़िया काम किया जिस हिसाब से मैंने देखा है। मतलब मैंने अभी तक मेरे पांच मूवीज हो चुके हैं और हमेशा कोई ना कोई कोस्टर होती है, पर ये कोस्टर ऐसी जो मुझे देख के लगा कि यार बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और साथ में मेरे साथ मीनाक्षी भी है, फिर पंकज भी है और हाशिम भी है, जिन मतलब मेरे जो दोस्त है उन सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब कि खूब एंजॉय किया होगा फिर आपने। बहुत बहुत, मतलब अभी तो एक शेड्यूल खत्म हुआ है, जस्ट एक 15 दिन का शेड्यूल खत्म हुआ, उसमें तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और बेसिकली ऐसा फैमिली होता है, उस तरह से काम होते गए और इजीली होते गए। मतलब स्क्रिप्ट हमको 15-20 दिन पहले दे दिया था तो हम लोग रिवाइज करके हम इम्प्रोवाइज कर रहे थे, और मैं इम्प्रोवाइज करके आता था, मैं पूछता था सर को कि सर मैं कर सकता हूँ, तो कभी भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। सो इट वॉज वेरी लाइट और बहुत अच्छे से गया इस चीज। तो जैसे कि अभी बातों से पता चल रहा है कि आपने काफी अच्छा से शूटिंग किया, अच्छा एंजॉय किया, अभी सेकंड शेड्यूल कहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे क्या प्लानिंग है शूटिंग के साथ, क्या क्या? सेकंड शेड्यूल जो है वो अपना राजस्थान में हो रहा है और बेसिकली अभी गाने करेंगे जो गाने नहीं हुए थे,
तो अभी गाने हम राजस्थान में करेंगे और मेरे ख्याल से और यूपी साइड का और एक लोकेशन है जिधर हम करने वाले हैं। सो और बेसिकली गाने भी बहुत अच्छे हुए, म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया है। अब गाने सुनेंगे तो स्पेशली कव्वाली और एक रोमांटिक गाना है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। एंड दूसरा क्रेडिट जाएगा हमारे राइटर को जो बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं त्रिलोकी गाजीपुरी, कारिग्राट्स नाम है और इसके तहत हम लोग एक मूवी बना चुके हैं होटल कोहिनूर करके, जो एंटायर साउथ में प्लस सीपीसीआई में रिलीज के लिए 22 या 23 तारीख को रेडी है, एक फाइनल डेट कंफर्म है। ये फिल्म 100 विलेज, ये कब तक 100 विलेज कब तक रिलीज होगा? अभी हमारा तो विचार है कि 30 या 1-2 जुलाई तक की शूट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, बाकी वेदर पे या मौसम पे डिपेंड करता है। कुछ हमारे हीरो वगैरह हैं इनके शूट के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी डेट्स अवेलेबल है नहीं है, दो दिन आगे पीछे करके मतलब बिफोर 15 जुलाई हम लोग कंप्लीट करेंगे, जल्द से जल्द 15 जुलाई तक कंप्लीट हो ही जाएगा। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।